हर कोई वेश में है और रोशनी के इस त्योहार में भाग लेता है। दुनिया में मनाया जाने वाला एकमात्र त्योहार दिवाली है। इस मौके पर बॉलीवुड हस्तियों ने जमकर लुत्फ उठाया। बॉलीवुड हम में से अधिकांश की तुलना में थोड़ा पहले मनाता है और हम अक्सर उन्हें विभिन्न समारोहों और समारोहों में देखते हैं। प्री दिवाली समारोह इस साल 17 अक्टूबर को शुरू हुआ और तब से बंद नहीं हुआ है। दिवाली समारोह कई शीर्ष अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों द्वारा अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया है और एकता कपूर भी बीटाउन समारोहों की मेजबान रही है। आइए एक नज़र डालते हैं एकता कपूर की दिवाली पार्टी की बेस्ट ड्रेस्ड हस्तियों पर। एकता कपूर की दिवाली पार्टी में अनन्या पांडे ने हल्के हरे रंग के अबू जानी संदीप खोसला लहंगे में शो को चुरा लिया, जिसने उन्हें एक देसी ग्लैम राजकुमारी में बदल दिया। अनन्या ने ऐसा ही लहंगा और ट्यूल दुपट्टा और प्लंजिंग एम्बेलिश्ड ब्रेलेट पहना था। उनका दिवाली बैश पहनावा मांग टीका, मैचिंग इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स और हील्स, सेंटर पार्टिंग के साथ खुले बालों, मिनिमल मेकअप और स्मोकी आईशैडो जैसे खूबसूरत गहनों के साथ पूरा हुआ। दिशा पटानी ने एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पैटर्न टिया और प्लीटेड लहंगा स्कर्ट, मैचिंग दुपट्टा और अलंकृत हाल्टर ब्रेलेट पहने हुए शिरकत की। उन्होंने ढीले बालों, ट्रेंडी झुमकी, एक गोल्ड हैंडबैग, विंग्ड आईलाइनर और ट्रेंडी मेकअप के साथ अपने ट्रेडिशनल लुक को निखारा। कृति सेनन एकता कपूर की दिवाली पार्टी में शामिल हुई। हमेशा की तरह कृति सनोन ने डिजाइनर अनुश्री रेड्डी के संग्रह से एक खूबसूरत आरू लहंगे में सबका ध्यान खींचा। लहंगे की पूरी लंबाई को फूलों के डिजाइनों में सेक्विन और जीवंत धागों से सजाया गया था। चोली की नेकलाइन नीची थी और उसी तरह कढ़ाई की हुई थी। कृति ने गुलाबी झुमके की एक जोड़ी के साथ एक साधारण एक्सेसरी का विकल्प चुना, जो सरासर दुपट्टे के किनारे पर सुंदर पुष्प पैटर्न का पूरक है। कृति सनोन ने शाम के लिए अपने अनुश्री रेड्डी पोशाक के साथ जाने के लिए प्रमुख झुमकों और कॉकटेल रिंग की एक जोड़ी को चुना। स्टार के बालों को एक बन में स्टाइल किया गया था, जिसमें एक मध्य भाग और उसके चेहरे पर ताले लगे थे। उनका मेकअप सॉफ्ट डार्क पिंक लिप कलर और उनकी पलकों पर पिंक वॉश के साथ पूरा किया गया था, जो उनके इवनिंग लुक से मैच करता था।